नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम इतिहास का सारे ही पार्ट जो है कवर कर चुके हैं जो हमारे यूपी पैट का था, और यूपी पैट स्पेशल हमारी ये क्लास चल रही है और हम लगभग 40 क्लास आपको करा चुके हैं जिसमें हमने इतिहास के सारे टॉपिक कवर किए हैं प्लस राष्ट्रीय आंदोलन के भी सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। और अब आज जो हमारी पहली क्लास है वह है ज्योग्राफी की पहली क्लास, और टॉपिक क्या है हमारा स्पेशल चल रहा है, और टॉपिक है हमारा नदियाँ तथा नदियों की घाटी। और नदियाँ तथा नदियों की घाटी, आप देखो इतनी नदियाँ हैं, इतनी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं, और अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इतना डाटा है कि हम कवर नहीं कर सकते, परंतु हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के दृष्टि से, यानी कि ये आपका पैट जो है ये मुख्य परीक्षाओं के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम की भूमिका निभाता है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग के प्रत्येक परीक्षा में यह अहम भूमिका निभाता है, उसी से शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। अब देखिए, हम बात करेंगे, ये सिंधु नदी है, इसी के बारे में बात करेंगे। आपको नक्शा दिख रहा होगा, ये छोटा सा मैप जैसे को बताया है जिससे हम आपको समझा सकते हैं, परंतु उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या है नदियाँ, क्या होता है अवतंत्र, क्या होता है आपकी कंडीशन सारी। तो इससे पहले हम शुरू करें, आपको थोड़ा सा जो है संयम बरतना होगा, पूरी क्लास समझने के लिए जो है आपको कॉपी पेन लेकर बैठना होगा, बहुत ज़रूरी है। चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, कोई टेंशन नहीं है, परंतु उससे पहले कुछ बातें देखिए। एक आपको शब्द होता है अपवातंत्र, क्या शब्द होता है अपवातंत्र। तो अपवातंत्र क्या होता है, वह होता है जो नदियों के द्वारा उसकी सहायक नदियों और उसके द्वारा जल ले जाया जाता है तथा उस जल समाहित क्षेत्र को रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं अपवातंत्र कहते हैं। अब बेटा थोड़ा सा आप ये देखिए, यहाँ समझिए अपवाहतंत्र, अपवाहतंत्र, ठीक है। अपवातंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है अपवातंत्र, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई अपवातंत्र जो होता है, दो प्रकार का होता है, और उसमें पहला प्रकार जो होता है वो हमारा, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, पहला प्रकार जो होता है वो होता है हमारा अनुवर्ती, सॉरी क्रमवर्ती, एक क्या होता है क्रमवर्ती अपवाहतंत्र, क्रमवर्ती अपवाहतंत्र होता है, ठीक है। ये दो भागों में बांटा होता है, ये दो भागों में बांटा होता है, एक तो होता है हमारा अनुवर्ती और एक होता है परवर्ती, यानी एक क्या होता है अनुवर्ती और एक होता है परवर्ती, परवर्ती, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, अनुवर्ती और परवर्ती। फिर एक होता है अनुक्रमावर्ती, अनुक्रमावर्ती, ठीक है भैया, अपवाह, ठीक है। ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए इसके क्या क्या होते हैं। एक तो होता है पूर्ववर्ती, एक क्या होता है पूर्ववर्ती, ठीक है। एक तो होता है पूर्ववर्ती, परवर्ती तो ये हो गया, एक होता है आपका पूर्ववर्ती, ठीक है। इसको गौर से करना, यहाँ सिंधु नदी है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, परंतु उससे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या। एक होता है पूर्व रोहितवर्ती, क्या होता है पूर्वा रोहिवर्ती, पूर्वा रोहिवर्ती, ठीक है भैया। तो ये होते हैं, पहले तो फिलहाल में समझिए क्या होता है। अनुवर्ती जो होते हैं, अनुवर्ती होते हैं, अनुवर्ती को हम क्या कहते हैं ढलान के अनुसार, यानी कि ढलान के अनुसार। अब ढलान के अनुसार जो नदियां रहती हैं उन हम नदियों का कहते हैं क्या कहते हैं, हम अनुवर्ती कहते हैं। और उन अनुवर्तियों में कौन सी होती है, वो होती हैं गोदावरी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, मतलब समझने के लिए बस कृष्णा। यानी कि अनुक्रमावर्ती अपवाहतंत्र होता है, एक होता है अनुक्रमावर्ती अपवाहतंत्र, ठीक है। क्रमावर्ती अपवाहतंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अनुवर्ती होता है एक परवर्ती होता है। अनुवर्ती वो होता है ऐसी नदियाँ जो ढाल के अनुसार बहती हैं, उन हम कहते हैं अनुवर्ती नदियाँ। ये 2021 के लोअर PCS, सॉरी PCS में आया था क्वेश्चन प्रीलिम्स में। परवर्ती क्या होती हैं, जो समकोण पर मिलती हैं, जाकर किस में मिलती हैं समकोण में, ठीक है, जो समकोण पर मिलती हैं। और ऐसी नदियाँ कौन कौन सी होती हैं जो समकोण में मिलती हैं, आपने देखा होगा गंगा नदी तंत्र जब पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ना मिलेगा। तो कौन कौन सी होती है, चंबल, बेतवा, खेन, कैसी होती हैं चंबल, बेतवा और केन, ये होती हैं। पूर्ववर्ती वो होती है हिमालय से पहले, हिमालय से पहले जिनकी उत्पत्ति हुई होती है, हिमालय से पहले जिनकी उत्पत्ति होती है उन हम क्या कहते हैं पूर्ववर्ती। जैसे सिंधु, सिंधु नदी कह सकते हैं हम गंगा नदी कह सकते हैं हम ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं,
ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं या फिर सतलज नदी भी कह सकते हैं। पूर्वरोवर्ती जो होती है वो कौन सी होती हैं, जो विपरीत बहती हैं। क्या बहती हैं? विपरीत बहती हैं। अब विपरीत कौन कौन सी बहती हैं, जैसे नर्मदा तापती, ये नदियाँ। तो इनको जो है ना समझना बहुत ज़रूरी था, इनको बहुत ज़रूरी समझना था। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या होता है, अपवाह तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रमावर्ती अपवाह तंत्र, एक होता है अनुक्रमावर्ती अपवाह तंत्र। अभी हम कहीं किसी की बात नहीं कर रहे। तो ऐसी नदियाँ जो अनुवर्तन नदी होती हैं वो ढलान के अनुसार बहती हैं, ठीक है। परवर्ती नदियाँ वह होती हैं जो समकोण पर जाकर मिलती हैं मुख्य नदी से, ठीक है। पूर्ववर्ती वह होती हैं जो हिमालय से पहले इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। और पूर्वरोहीवर्ती जो होती हैं वह होती हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं, ढलान के विपरीत दिशा में बहती हैं। जबकि देखा जाए तो इनके कौन कौन उदाहरण हैं, जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, ठीक है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा, ताप्ती। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप हैंड टू हैंड जो है ना की पॉइंट निकालते रहो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में अपवाह तंत्र दो प्रकार का होता है। भारत में जो अपवाह तंत्र होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भारत में अपवाह तंत्र? भारत में अपवाह तंत्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हिमालयवर्ती नदियाँ, हिमालयवर्ती नदियाँ। एक होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। हम इसे इस तरीके से भी बांट सकते हैं। हिमालयवर्ती नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी सतलुज होती है, आपकी सिंधु होती है, आपकी गंगा होती है, ब्रह्मपुत्र। तो ये जो हिमालय से बहती हैं वो क्या होती है, जिनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है। तो वो नदियाँ जो होती हैं उत्तर भारत की नदियाँ वह होती हैं हिमालयवर्ती नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं, जैसे कौन कौन सी होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। प्रायवर्ती नदियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। वैसे तो ये भी दो प्रकार की होती हैं, अरब सागर में बहने वाली और बंगाली खाड़ी में बहने वाली। परंतु यहाँ भी देखिए क्या होती हैं, एक होती है अरब सागर में और एक होती है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ऐसा कह दो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट में और ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में आप जैसे सुनोगे साबरमती आपकी हो जाएगी, आपकी नर्मदा हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी। तो ऐसी नदियाँ जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। बंगाली खाड़ी में कौन सी होगी, महानदी होगी। फिर आपकी गोदावरी हो गई, ठीक है, आपकी कृष्णा हो गई और कावेरी हो गई। हैं तो बहुत सारी नदियाँ, परंतु हम मुख्य नदियाँ बताकर आपको परिचय करा रहे हैं यहाँ से। अभी तक कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला अभी यहाँ। और हम सारी बातें समझने के बाद हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालयवर्ती नदियाँ। क्योंकि देखिए ये पैट का कोर्स है, पैट का कोर्स का मतलब है रिवीजन कोर्स। पैट का मतलब क्या है, यहाँ पर रिवीजन कोर्स है, ये आपका ऐसा नहीं है। अगर आपको पूरी डिटेल से पढ़नी है तो जाकर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है भारत की ज्योग्राफी, ठीक है, भारत का भूगोल, उसमें आप जाकर हमारी वीडियो वहाँ से देख सकते हो अगर आपसे डिटेल में आपको चाहिए तो, ठीक है। ये तो हम केवल रिवीजन कर रहे हैं जिससे कि आपका पैट का कोर्स अच्छे ढंग से निकल जाए। ठीक है जी, चलिए आगे शुरू करते हैं। क्या है, इतना करने के बाद हम बात करते हैं सिंधु नदी की। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, सिंधु नदी पढ़ने वाले हैं, और सिंधु नदी में ही हम सारी बात करने वाले हैं। सिंधु नदी तंत्र हमने बात करी अब यहाँ सिंधु नदी तंत्र में। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र ये है आपकी, ये कैलाश पर्वत है और सिंधु नदी तंत्र कैलाश पर्वत के बोकरचू से उद्गम होती है। कहाँ से होती है, बोकरचू से उद्गम होती है और पहले तिब्बत में बहती है। कहाँ बहती है, तिब्बत में बहती है। और तिब्बत में से क्या कहा जाता है, शेरमुख, या तिब्बत में से क्या नाम दिया जाता है, शेरमुख या सिंगी बखान कहा जाता है। यानी कि सिंधु नदी कहाँ से उद्गम होती है, बोकरचू से होती है, तिब्बत में बहती है। तिब्बत में बहते हुए इसे क्या कहा जाता है, या तो शेरमुख कहा जाता है या सिंगी बखान कहा जाता है। भारत में जो एंटर होती है लद्दाख वाले एरिया में वो कहाँ होती है, दमचोक पर। कहाँ पर एंटर होती है, दमचोक पर, और यहाँ पर श्रेणियों में होते हुए बहते हुए जो एग्जिट होती है वो कहाँ से होती है, चिल्लास से। कहाँ से होती है, चिल्लास से। और इस तरीके से यहाँ अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है।
अब फिर बात करते हैं इसकी सहायक नदियों में, तो पहली सहायक नदी जो है वो है आपकी झेलम नदी। कौन सी नदी है ये, आपकी कौन सी नदी है? झेलम नदी है। कहाँ से उद्गम होता है? शेषनाग से, और झुंग में जाकर जो चिनाब में मिल जाती है। झुंग एक जगह है, वहाँ जाकर चिनाब में मिल जाती है। और ये है चंद्रा और भागा, दो नदी है यहाँ से। दो छोटी छोटी नदियों से मिलकर चंद्रा और भागा से उद्गम होकर कौन सी? चिनाब नदी। देखो यारो लग रहा है कौन सी? चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी जाकर जो है सीधी बहती है। सबसे बड़ी नदी जो है चिनाबी नदी है। हम एक ही नदी के ऊपर पॉइंट करेंगे। फिर आपकी रोहतांग दर्रे से उद्गम होती है जो उनकी रावी नदी है, जिसका नाम क्या नाम है? रावी नदी है। रोहतांग दर्रे से उद्गम होती है, ठीक है, और ये जाकर जो है यहाँ मिल जाती है चिनाब में, ठीक है, पाकिस्तान में। फिर ब्यास कुंड से एक नदी उद्गम होती है जिसे हम कहते हैं ब्यास नदी, और कहाँ पर? हरी के बैराज में जाकर यह मिल जाती है सतलज में। फिर सतलज नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? राक्षस ताल से उद्गम होता है, और यह भारत में हिमाचल प्रदेश से एंटर होते हुए और आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान के माध्यम से होते हुए जो है ये कहाँ पर? सराय सिंधु में जाकर जो है किस में मिल जाती है? ये चिनाब में मिल जाती है। तो सबसे बड़ी नदी जो है चिनाब है, दूसरी सबसे बड़ी जो है वो सतलज है, ठीक है, और उसके बाद जो है और नदियाँ हैं, और ये पंचनद के नाम से भी जाना जाता है इसे। और ये कहाँ पर मिल जाती हैं जाकर? पाकिस्तान में पंचनद पर जाकर मिल जाती हैं। तो ये तो था नक्शा, जो मैप है आपको बताएगा एक एक नदी के बारे में। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ से एक एक नदी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए क्या है, हम सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम सिंधु नदी में क्या कर रहे हैं? उद्गम। तो उद्गम कहाँ से हुआ? कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखर चू से होता है। कहाँ से होता है? बोखर चू, बोखर चू से इसका उद्गम होता है, ठीक है भैया। अगर हम इसे बात करें तिब्बत में, तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? शेरमुख, शेरमुख या सिंगी बखान, सिंगी बखान, क्या कहा जाता है? सिंगी बखान कहा जाता है, क्लियर इतने। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें बेटे, यही चीज़ें तो आएंगे एग्जाम में। अगर लंबाई की बात करें सिंधु नदी की, तो हम इसे 2880 किलोमीटर बताते हैं। कितनी बताते हैं? 2880, ठीक है। अब कहाँ गिरती है ये कहाँ जाती है? ये जम्मू कश्मीर, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ? भारत में जम्मू कश्मीर, ठीक है, और यानी लद्दाख, लद्दाख से होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए, और कहाँ? अरब सागर में, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है भैया। अगर हम बात करें तो ये एंटर कहाँ से होती है, यानी प्रवेश कहाँ से लेती है? प्रवेश, प्रवेश जो लेती है वो कहाँ से लेती है? प्रवेश लेती है दमचोक से, दमचोक से। और एग्जिट जो पॉइंट है इसका, एग्जिट पॉइंट जो है यानी निकासी पॉइंट जो है वो क्या है? निकासी पॉइंट जो है वो कहाँ से है? वो है चिल्लास से। कहाँ से है? चिल्लास से जो है इसका निकासी पॉइंट है। क्लियर इतनी बात, अगर यहाँ से बात करें तो, ठीक है भाई। अगर यहाँ से हम बात करें तो, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब बात आती है कि पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं। अगर हम बात करें पंचनद, पंचनद में कौन कौन सी नदी शामिल है, तो आपकी झेलम, ठीक है, और झेलम के बाद में रावी, सॉरी चिनाब, चिनाब, चिनाब के बाद में अगर हम बात करें तो रावी, रावी, रावी के बाद में आपके ब्यास, और ब्यास के बाद में आपकी सतलुज, ठीक है भैया। ये आपकी पंचनद में शामिल है। तो आप इसको एक बार देख लेंगे कि देखिए सारी नदियां जो हैं वो सभी कहाँ होकर जा रही हैं, वहाँ होकर जा रही हैं, ठीक है भैया। अब बात आती है यहाँ पर, पंचनद हो गया, इतना आपने नोट कर लिया। सिंधु नदी तंत्र की बात कर रहे हैं, उद्गम कहाँ है? सिंधु नदी में, कैलाश पर्वत श्रेणी से है, बोकर चू से उद्गम होता है, तिब्बत में इसे शेरमुख या सिंगी बखान कहा जाता है, लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है, जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए अरब सागर में गिरती है, दमचोक में एंटर करती है, और एग्जिट जो करती है चिल्लास से करती है। पंचनद में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इसमें शामिल है, ठीक है। अगर हम बात करें तो सारी नदियाँ जो हैं, ये सारी नदियाँ जो हैं, ऐसा मान के चलिए बाएँ हाथ की नदियाँ हैं। कौन से सर? बाईं तरफ से, बाईं तरफ की नदियाँ हैं। कौन सी? बाएँ तरफ की। तो अब दाएँ तरफ की नदी कौन सी होंगी? दाएँ तरफ की नदी कौन कौन सी होंगी? तो दाएँ तरफ की नदी कौन कौन सी होगी? काबुल, काबुल इसके दाएँ तरफ की नदी है, ठीक है। एक कुर्रम, कुर्रम इसके दाएँ तरफ की नदी है। एक गोमल, गोमल इसकी दाएँ तरफ की नदी है। एक संगार, ये दाएँ तरफ की नदी है। तो ये नदियाँ जो है, एक तोची, एक कौन सी है? तोची, तोची, ये जो है इनकी दाएँ तरफ की नदी है। इतना डिटेल तो नहीं पूछेगा आपको, इतना डिटेल से आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा, ये बात आपने
माइंड में अच्छे से रख लीजिए। ठीक है भैया, इतने अपने माइंड से रख लीजिए, इसको नोट करो पहले, इतना हो गया होगा। चलिए इससे आगे की बात करते हैं, अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो इससे आगे की बात करते हैं क्या है। ठीक है, चलिए अब अभी हमने बताया था कि क्या, हमने अभी बताया था कि क्या था कि एक तो आपकी नदी देखो क्या है, आपकी नदी है एक तो ब्यास, एक तो नदी है ब्यास, फिर दूसरी नदी जो है आपने नाम सुना होगा रावी, ठीक है, तीसरी नदी का नाम सुना होगा सतलज, सतलज, ठीक है, इनका 80% जल, 80% जल कौन बहन करता है, भारत, कौन करता है, भारत बहन करता है, और 20% जल इन नदियों का कौन करता है, 20% जल कौन करता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है भैया, इतनी होगी। इसके बाद में आपके झेलम, झेलम, चिनाब, ठीक है, झेलम हो चुकी है, चिनाब हो चुकी है, और सिंधु, सिंधु, ये तीन नदियां हैं, इनका 80% जल जो है वह कौन लेता है, 80% जल ये पाकिस्तान के हाथ में रहता है, पाकिस्तान इसको समाहित करता है, पाकिस्तान, और इसका 20% जल जो है वो कौन, 20% जल किसके पास, इंडिया के, क्या है भैया, भारत, ठीक है, ये होता है। इतनी बात सामने आ गई होगी, और आपने एक इम्पोर्टेंट डेट सुनी होगी, 19 सितंबर 1960 को, जिसे हम क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये फैसला दिया था, इसे कहा गया था सिंधु जल समझौता, जल समझौता, ठीक है भैया, सिंधु जल समझौता कहा गया था, किस किस के बीच में हुआ था, तो भारत की तरफ से नेहरू जी की तरफ से, ठीक है, ये PM थे, कौन थे, PM नेहरू जी, और किसके बाद में उधर राष्ट्रपति थे, कौन थे, राष्ट्रपति अयूब खां, कौन थे, अयूब खां, उस टाइम पर अयूब खां, तो ये खान, अयूब खान, तो ये एग्ज़ाम में बातें आ जाती हैं। ठीक है, तो भैया इसको ज़रा थोड़ा सा नोट कर लो, इसको थोड़ा जल्दी से नोट करो कि क्या है। तो हम एक बार बात कर लेते हैं, ब्यास और रावी सतलज का 80% जल भारत के पास होता है, 20% जल पाकिस्तान के, जबकि झेलम चिनाब सिंधु के पास 80% जल पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान पर होता है, 20% जी। इससे ये देखिए कि एवरेज क्या निकला इसका, सिंधु किसका, सिंधु जल समझौते का, 80% पाकिस्तान बहन करेगा और 20% जो करेगा कौन करेगा, भारत बहन करेगा, इतना हो चुका है। ठीक है, ये और किस किस के बीच में हुआ था ये समझौता, ये हुआ था सिंधु जल समझौता नेहरू जी के और राष्ट्रपति अयूब खां के बीच में हुआ था। ठीक है भाई, अभी हम इनके बारे में कुछ बता नहीं रहे, यानी आपको ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं बताता हूँ, ये कुछ नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ, इनके दोआब क्षेत्र होते हैं, क्या होता है, दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र, अब दोआब क्षेत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, दो नदियों के मध्य भू क्षेत्र को दोआब कहते हैं, क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो आपको एग्जाम में दोआब आएगा, एक आपका दोआब आएगा छज दोआब, तो आपको यहाँ से ट्रिक याद रखनी है, छह से झ बना दो और ज से च बना दो, तो झ का क्या हो जाएगा, झेलम, क्या हो जाएगा, झेलम नदी और किसके, चिनाब नदी के, क्या हो जाएगा, चिनाब के। तो देखिए ज का च बन गया और झ का छ बन गया, तो इसके बीच की भूमि को क्या कहते हैं हम, ये दोआब। दूसरा एक दोआब होता है आपका रचना दोआब, तो र और छ, तो इसमें क्या आ जाएगा, रावी और चिनाब की भूमि आ जाएगी। तीसरा दोआब जो होता है वो हमारा होता है बारी दोआब, कौन सा होता है, बारी दोआब, तो बारी दोआब को हम क्या कह सकते हैं, व्यास और रावी के। ठीक है, एक चौथा होता है बिष्ट, कौन सा होता है, बिष्ट दोआब, तो किसके होता है, ब्यास और सतलुज। ठीक है भैया, एक पांचवा जो होता है दोआब वो हमारा क्या होता, सिंधु सागर दोआब। इसमें को क्या क्या होता है हमारा, जैसे सिंधु नदी होती है, क्या होती है, सिंधु नदी होती है, ठीक है, फिर आपकी झेलम नदी होती है और झेलम नदी के साथ साथ हमारी कौन सी होती है, चिनाब नदी। ठीक है भैया, चिनाब नदी, तो इन पे भी थोड़ा सा नज़र रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से नज़र रखेंगे, टेंशन ना लो आप, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, क्योंकि कुछ भी भारी नहीं है। तो एक बार नज़र मारो, सिंधु नदी तंत्र, दोआब क्षेत्र को, दो नदियों के मध्य भू क्षेत्र को दोआब कहते हैं।
ठीक है, ये पूरी तरीके से हम आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे, पूरी नदियाँ नहीं करा रहे, ये तो केवल आपका रिवीजन चल रहा है। अगर आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है तो कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे में जाकर सिंधु नदी होगी, और हम आपको कितनी जल्दी निपटा रहे हैं, बहुत जल्दी निपटा रहे हैं, जैसे कि आपका रिवीजन तेज़ हो जाए। यूपी पैट के लिए इतना टाइम नहीं है आपके पास, 85 दिन है। तो देखिए छज जो कितने दो आप क्षेत्र होते हैं इसमें, 5 होते हैं, एक होता है छज दो आप, किस किस के बीच में होता है, झेलम और चिनाब। ट्रिक से देखो झ का क्या बन गया झ, और चय का बन गया चय। रचना दो आप में रह का हो गया रावी, और चैसा हो गया चिनाब। ठीक है, ट्रिक से याद करो, बारिश है वैसा हो गया ब्यास, और ऐसा हो गया रावी। ठीक है, बिष्ट में वैसा हो गया व्यास, सैसा हो गया सतलुज। ठीक है, सिंधु में क्या हो गया, सिंधु सागर, तो सागर होगा 3 नदी होगा। ठीक है, तो सिंधु झेलम और आपका सिंधु झेलम चिनाब, तो तीनों मुख्य नदियाँ थीं। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ से क्लियर। क्लियर भाई, नोट कर लिया यहाँ तक। चलिए, कुछ ऐसा भी है कि नदियों को प्राचीन में क्या क्या नाम से जाना जाता था, कुछ हम इसे भी इस तरीके से भी यहाँ लिख सकते हैं, इन नदियों को किस नाम से जाना जाता था। तो हम देखिए क्या है, एक नदी है आपकी झेलम, झेलम आप ये बताइए पुराणों में से क्या नाम दिया गया झेलम को, पुराणों में झेलम को क्या नाम दिया गया, जल्दी बताओ क्या है, वितस्ता, वितस्ता नाम दिया गया है बेटा। दूसरा शब्द जो है वो क्या है आपका, एक आपकी चिनाब, चिनाब। अब चिनाब को क्या नाम दिया गया है पता होना चाहिए, अश्कनी नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, अश्कनी। ठीक है, तीसरा एक नाम होता है यहाँ पर हमारी रावी, ठीक है भाई, रावी को क्या नाम दिया गया है, पुरुषणी, क्या नाम दिया गया है, पुरुषणी। चौथा जो हमारा यहाँ पर नाम है वो आपका व्यास, व्यास को नाम दिया गया है बिपासा, क्या दिया गया है, बिपासा। ठीक है भैया, बिपासा। पांचवा जो नाम है हमारा वो यहाँ पर क्या है, सतलुज, सतलुज। ठीक है, एग्जाम में ये कई बार जोड़े पेयर बनाने के लिए आ जाते हैं, तो इसका नाम है सतुद्री, क्या नाम है, सतुद्री, क्या नाम है, सतुद्री। तो ये भी आपको आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट हो सकता है। ठीक है भैया, तो झेलम को कहा जाता है वितस्ता, चिनाब को कहा जाता है अश्कनी, रावी को कहा जाता है पुरुषणी, व्यास को कहा जाता है बिपासा, और सतलुज को कहा जाता है सतुद्री। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, बताइए इतनी बात समझ में आ गई या नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए क्या करना है, ऐसा है कई बार ऐसा होता हमें, कई बार ऐसा होता है कि हमको ये नदियाँ जो हैं, हमको ये नदियाँ पढ़नी जो हैं थोड़ी सी भारी लगती हैं, समझ गए। तो क्या करना है हमको, इस तरीके से समझना है। अब देखिए क्या करना है, हम अब बात आ गई, हमने सारी चीज़ें पढ़नी है, अब हम एक एक नदी की जो है ना चर्चा करते हैं, एक एक नदी की, इसके सहायक नदियों की, एक एक नदी की चर्चा करते हैं। और एक एक नदी की चर्चा करने से पहले जो है हमें अपना मार्कर करना पड़ेगा चेंज, और फिर आपको भी नोट्स बनाना पड़ेगा अच्छे से, और हम आपको वहाँ से कराएंगे बिल्कुल क्लियर। ठीक है, क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ से क्लियर करेंगे एक एक बात। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं झेलम से, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, किससे बात करने वाले हैं, झेलम से बात करने वाले हैं, झेलम नदी। ठीक है भैया, झेलम नदी बात करनी है। तो पहला की पॉइंट क्या है कि झेलम का उद्गम जो है कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है। तो आपको सबको पता होगा कहाँ से होता है, पीर पंजाल के पास में, पीर पंजाल के पास में एक नदी है, वह है शेषनाग झील, शेषनाग झील। तो कहाँ से होता है, शेषनाग झील से होता है, जो आपने यहाँ देख रखा है ये आपका देखो शेषनाग झील है। ठीक है, इसी का नाम क्या है, झेलम है। ठीक है, उद्गम हो गया है। ठीक है, क्लियर इसका। अब बात आती है कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है। तो लेंथ 725 किलोमीटर, इसकी लेंथ कितनी है, 725 है। ठीक है, इतनी बात याद रखना आप। ठीक है, अब विसर्प, विसर्प यानी सांप का रूप जो लेती है कहाँ पर लेती है, ये श्रीनगर में लेती है, श्रीनगर में ये विसर्प का रूप ले लेती है। ठीक है, इतनी बात आ चुकी है। और ये ऐसा मान के चलिए, इसका अगर हम बात करें दमन, इसका जो दमन होता है वो किस नदी में जाकर होता है, चिनाब में, चिनाब में जो है ये हो जाता है। ठीक है, श्रीनगर इसी के किनारे बसा हुआ है, श्रीनगर इसी के किनारे बसा हुआ है, तो विसर्प भी हो गया, श्रीनगर जो है इसी के किनारे बसा हुआ है। रही बात आगे, अगर हम बात करें सहायक नदी की, इसकी सहायक नदी की, इसकी सहायक नदी की बात करें, तो भैया सहायक नदी कौन है, इसकी किशन गंगा इसकी सहायक नदी है, किशन गंगा, किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। ठीक है, अगर हम बात करें इस पर परियोजना की, तो एक परियोजना तो इस पर तुलबुल परियोजना है, तुलबुल, तुलबुल परियोजना, परियोजना है इस पर। और दूसरी जो है उरी परियोजना, उरी परियोजना, परियोजना। ठीक है भैया, ये इसकी कहानी है भाई, इतनी याद रखो, इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ठीक है, इससे आगे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आएगी। फिर एक नोट करके बात लिख सकते हो, एक नोट करके बात लिखा सकते हो, यह चिनाब नदी में, यह चिनाब नदी में
चिनाब में पाकिस्तान की क्या जगह है? पाकिस्तान की एक जगह है झुंग जगह, कहाँ कौन सी जगह? झुंग में मिलती है, झुंग में मिलती है, झुंग में मिलती है। तो इतनी बात थोड़ा याद रख लो। देखो वो मैंने आपको बताया यहाँ पीर पंजाल श्रेणी है, शेषनाग से उद्गम होती है, यहाँ होते हुए जो है पाकिस्तान में एंटर करते हैं, झुंग में जाकर मिल जाती है, किस में? चिनाब में, ठीक है। इसकी लंबाई जो है यहाँ से इतनी है, इसकी लंबाई जो है इतनी है। थोड़ी सी ये बात याद रखो, मैंने अभी सिंधु नदी की एक नदी लंबाई दिखाई थी, तो ब्रह्मपुत्र सॉरी सिंधु नदी की क्या लंबाई थी, सिंधु की कितनी लंबाई थी, ये थोड़ा सा याद रखो। सिंधु की कितनी लंबाई थी भैया? सिंधु की थी 2880, जबकि ये टोटल लंबाई है। तो भारत में कई बार पूछ ली जाती है सिंधु की, भारत में तो कितनी है? 1140 किलोमीटर। आगे दिमाग में तो बता दी, भारत में कितनी है? 1140। इतनी बात हो चुकी है, एक नदी क्लियर हो चुकी है। देखो ये आपकी एक नदी क्लियर हो चुकी है, कौन सी? झेलम नदी। और आप नक्शा समझ सकते हो और यही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद की बात जो करते हैं, झेलम के बाद में हम बात करते हैं चिनाब नदी की। आप तो बस नोट्स बनाया जाओ प्यारे प्यारे, जिससे कि आपका रिविज़न अच्छा हो जाए, ठीक है। तो अब नदी जो है वो कौन सी है? चिनाब नदी, चिनाब नदी, ठीक है भैया, चिनाब नदी। तो देखिए चिनाब नदी जो है वो है, एक तो चंद्रा और भागा इन दोनों नदियों से मिलकर यहाँ पर चिनाब का उद्गम होता है, और ये कहाँ जाकर? पाकिस्तान में जाकर सीधी, ये सबसे लंबी नदी यही है, ठीक है भैया। तो चंद्रा और भागा कहाँ से है? इसका उद्गम जो होता है, उद्गम कहाँ पर? बारालाचा दर्रे से चंद्रा और भागा के रूप में होता है, चंद्रा व भागा के उद्गम में होता है, के रूप में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है बेटा वो है 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह अगर ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर हम और इसकी बात करें तो बगलीहार परियोजना इसी पर बनी हुई है। अगर हम बात करें सलाल परियोजना इसी पर बनी हुई है। एक दुलहस्ती परियोजना इसी पर बनी है। किस पर जल संधि किस पर बनी है? चिनाब नदी पर, ठीक है भैया। तो ये भी आपको जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इतना याद कर लो, ठीक है। चिनाब का हो चुका है यहाँ तक, चिनाब का हो चुका है, नहीं हो चुका है? क्लियर, इतनी बात हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, कर दें आप। चलिए इसके बाद जो होती है चिनाब नदी के बाद जो हमारी नदी आती है वो आती है रावी नदी। कौन सी आती है? रावी नदी। अब हम रावी नदी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या है इसके की पॉइंट, क्या है प्रैक्टिस वाले पॉइंट। तो देखिए रावी नदी जो है रोहतांग उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? उद्गम होता है रोहतांग दर्रा। और ये कहाँ पर है? HP हिमाचल प्रदेश में। देखिए ये है रोहतांग दर्रा और यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है, रोहतांग दर्रे से। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है भैया, 720 किलोमीटर की लंबाई है। अब देखिए इस पर क्या है, एक तो चमेरा बांध इसी पर बना हुआ है, ठीक है। एक थीन बांध इसी पर बना हुआ है, थीन बांध भी इसी पर बना हुआ है। अगर बात करें ये चिनाब में जो है, क्या हाँ, चिनाब में यह नदी कहाँ पर? चिनाब में ये सराय सिंधु में मिलती है, सराय सिंधु के आसपास जो है ये मिल जाती है, ठीक है। इतना हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, नहीं है ना भाई? इतनी बातें नोट करते जाओ, इसमें और जो ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा भाई, और ज़्यादा तो नहीं पूछा जा रहा है यहाँ से, ठीक है। आप सोच रहे हो कि बहुत पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। चाहे आप पेपर उठा कर देख लेना, फिर हमारी वीडियो से मैच कर लेना पेपर को, ठीक है। इसके बाद में अभी आपकी दो नदियाँ बच रही हैं, एक तो बच रही है व्यास नदी, और एक नदी जो बच रही है आपकी वह बच रही है, अगर हम बात करें तो एक नदी बच रही है आपकी सतलज नदी, ठीक है भाई। एक नदी कौन सी बच रही है? सतलज नदी बच रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्यास की, ब्यास नदी की बात कर रहे हैं। अब ब्यास नदी में ज़्यादा ब्यास है भैया, ठीक है। तो बात कर रहे हैं क्या,
ब्यास नदी की बात कर रहे हैं। अब ब्यास नदी में सबसे पहला अगर हम बात करें तो कहाँ से होती है, ये हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है, ब्यास कुंड से उद्गम होता है। ठीक है भैया, अगर हम इसकी थोड़ी सी बात यहाँ से कर दें तो ऐसा मान के चलिए यह सबसे छोटी नदी है, यह सबसे छोटी नदी है। छोटी नदी कहाँ पर, पंचनद में, पंचनद में। यह नदी भारत में ही समाहित हो जाती है। ठीक है, हरी के वैराज में यह सतलुज में मिल जाती है। ये भी याद रखना। इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे 263 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 263 इसकी 263 आई थिंक नहीं 460 है इसके साथ 460 है, चलो एक बार चेक कर लेंगे, आप भी चेक कर लें। 460 आई थिंक मुझे ध्यान है, 460 है या 263, चलो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, आप देख लेना। यहाँ 460 है जिसमें कि 263 जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। हाँ ये बात ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है, 263, पर टोटल लंबाई कितनी है 460 है। इतनी बात याद रखेंगे। इस पर जो बनी हुई है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर इसी पर बनी हुई है, सतलज से पानी लेती है। एक आपका एक पोंग बांध, जैसा आपने नाम सुना होगा पोंग बांध इसी पर बना हुआ है, पोंग बांध इसी पर बना हुआ है ब्यास पर ही। तो इतना थोड़ा सा जो है याद रखना, ठीक है भैया, इसके ब्यास को भी। चलो ये अपना जल जो है पाकिस्तान नहीं लेके जाती, केवल कहाँ ले जाती है, भारत में ही जाती। देखिए ये क्या है, ब्यास कुंड से इसका उद्गम हुआ और आके जो है यहाँ पे ये मिल गई, कहाँ पर, हरी के बैराज में आके मिल गई है। ठीक है, ये कहाँ पर है, पंजाब में, और यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कौन सी निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान की जीवन रेखा के रूप से भी जानी जाती है, राजस्थान में हरित क्रांति की देवी के रूप में भी जानी जाती है। अब बात करते हैं सतलुज की, सतलुज नदी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए ये कहाँ से उद्गम होती है, ये हिमालयवर्ती नदी है। ठीक है, इसे ट्रांस हिमालय नदी भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय नदी भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ बहती है, ये HP में बहती है, HP के बाद में ये HR यानी हरियाणा में बहती है, हरियाणा बहकर राजस्थान बहती है, और फिर ये पंजाब में बहती है। ठीक है, और उसके बाद में ये अरब सागर में चली जाती है। कहाँ पर, अरब सागर में। ठीक है भैया, उद्गम जो होता है वो कहाँ से, देखो राकस ताल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अगर लंबाई की हम बात करें इसकी तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1450 जो इसकी लंबाई है, जो भारत, पाकिस्तान में है, तीनों में है। ठीक है भैया, लुधियाना व फिरोजपुर इसी के किनारे बसे हुए हैं, लुधियाना फिरोजपुर इसी के किनारे बसे हुए हैं। भाखड़ा व नागल बांध इसी पर बना हुआ है, भाखड़ा नागल बांध इसी पर बना हुआ है। ठीक है भैया, नाथपा झाकरी परियोजना इस पर बनी हुई है, नाथपा और झाकरी परियोजना भी इसी बनी हुई है। ठीक है, आर्यवाद समझ में। और हरी के बैराज से, कहाँ से, हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जिसे राजस्थान में हरित क्रांति की देवी कहा जाता है। तो ये बात भी थोड़ी सी याद कर लेना। तो एक बार रिकॉल कर लें, सतलुज नदी हिमालयवर्ती नदी है, देखो राकस ताल से निकलती है, यहाँ होते हुए जो है ऐसे बहते हुए यहाँ आती है, और ये हरी के बैराज में। ठीक है भैया, और पर हिमालयवर्ती नदी या हिमालय ट्रांस हिमालय नदी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में होते हुए अरब सागर में बहती है, उद्गम राकस ताल से होता है, लंबाई 1450 किलोमीटर है, चीन भारत पाकिस्तान में बहती है, भाखड़ा नागल बांध इसी नदी में बना हुआ है,
नाथपा झाकरी परियोजना जो है जल विद्युत परियोजना इसलिए बनी हुई है, लुधियाना फिरोजपुर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में हरित क्रांति की देवी जैसा कहा था वो इसी से निकलती है। तो दोस्तों ये जो था हमारा बहुत प्यारा बहुत ही ईमानदार तरीके से हमने सेटअप किया है यहाँ से इस किसको सिंधु नदी को, जैसे कि आपके कम समय में बहुत अच्छे तैयार हो जाए, वरना 4-4.5 घंटे की ये क्लास है अकेली अगर हम सिंधु सिंधु को पढ़ेंगे तो, परंतु हमारा पर्पज़ यहाँ से है आपको पैट की तैयारी के लिए रिवीजन कराना। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के लिए केवल इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में जो है आपको हम नदी कराएंगे, इसके बाद सिंधु नदी के बाद में जो है गंगा नदी तंत्र, ठीक है, कराएंगे गंगा नदी तंत्र, और आगे होगा फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और इसके बाद जो होगा एक ही क्लास में जो है वो प्रायद्वीपीय नदियाँ एक क्लास में हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो जब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।